हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। टेक आउट योर इंग्लिश बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 39। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 39। आज हम आपकी इंग्लिश बुक की यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 का लेसन 1 जो है आपकी पोयम। क्या है आपकी पोयम है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपकी पोयम का? आ स्माइल। क्या नाम है? सभी बच्चे रीड करेंगे मेरे साथ। आ स्माइल। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराहट या फिर हंसी। ठीक, मैं रीड करूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग, इट रिंकल्स अप योर फेस एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। क्या मतलब? ये बच्ची कहती है कि हमारी जो मुस्कुराहट है वो काफी मजेदार चीज है। ये हमारे चेहरे पर झुर्रियां लाती है, लाइंस लाती है, और जब हमारे चेहरे की हंसी चली जाती है तो आप कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे कि वो कहाँ छुपकर बैठी हुई है, हाइडिंग प्लेस, ठीक है, छिपने की जगह। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू। यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि मुस्कुराहट क्या कर सकती है। तुम एक के सामने मुस्कुराते हो, वे आपको वापस स्माइल देता है, और इसलिए एक मुस्कुराहट मिलकर दो मुस्कुराहट बन जाती है। एक आपकी मुस्कुराहट और एक आपने जिसको देखकर मुस्कुराया उसकी मुस्कुराहट। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको रीड करूंगी, आप फिर से बहुत ध्यान से देखेंगे। अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग, इट रिंकल्स अप योर फेस एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू। यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू। इसी तरह से प्यारे बच्चों, आपको इसकी 3 times रीडिंग करनी है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके इसके न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है रिंकल्स। रिंकल्स मीन्स क्या होता है? झुर्रियां। सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स होता है रास की बात। हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस मीन्स होता है छुपने की जगह। अब आइए आप पेज नंबर 40 पर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 40। लेट्स रीड। माय ग्रैंडमदर हैज मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। मेरी दादी माँ के फेस पर बहुत सारे रिंकल्स हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हैं दादी माँ, इनके फेस पर ये लाइंस देख रहे हैं, ये झुर्रियां, इनको बोलते हैं रिंकल्स। ठीक, नेक्स्ट इज शैल आई टेल यू अ सीक्रेट। क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? जब हम किसी के कान में बोलते हैं कि मेरे पास एक टॉफी है लेकिन किसी को बताना नहीं, वो बात जो किसी को पता नहीं होती, बस जिसको आपने बताई है उसी को पता है। जैसे आप भी कभी कभी अपने फ्रेंड को कोई एक सीक्रेट बताते होंगे, राज की बात बताते होंगे, और फिर उससे बोलते होंगे कि ये बात किसी को बताना नहीं। इसी तरह से ये बच्ची इसको बता रही है। ठीक, अब रीडिंग इज फन। ये आपके 2 question answer है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग और कुछ इसका अदर वर्क है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अब हम इसकी वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके यूनिट 3 लेसन 1 पोयम आई स्माइल के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और इसका अदर वर्क। फर्स्ट वर्ड है आपका स्माइल। स्माइल मीन्स हंसी, मुस्कुराहट। फनी, मजेदार। रिंकल्स, झुर्रियां। सीक्रेट, रास की बात। वंडरफुल, निराला या अद्भुत। ठीक है, ये आपके वर्ड मीनिंग। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग। मुस्कुराहट क्यों मजेदार चीज है? आंसर है, आई स्माइल इज अ फनी थिंग बिकॉज इट रिंकल्स अप आवर फेस। मुस्कुराहट एक मजेदार चीज है क्योंकि इससे हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन। क्या होता है जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं? आंसर है, व्हेन वी स्माइल एट समवन ही स्माइल्स बैक एट अस। जब हम किसी पर मुस्कुराते हैं तो वो भी हमें देखकर मुस्कुराता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैच वर्ड इन कॉलम ए विद देयर राइमिंग वर्ड्स इन कॉलम बी। इसमें क्या करना है आपको? ये मैचिंग दी हुई है, जो जिस वर्ड का राइमिंग है उसको उस वर्ड से आपको मैच कर देना है। तो फर्स्ट वर्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड वो होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो थिंग, थिंग का राइमिंग वर्ड क्या होगा? सिंग। फेस का रेस। डू का टू। इस तरीके से आप मैच करेंगे। कैन का मैन। बट का क।
कट, ठीक इस तरीके से आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, दो मैंने करे हैं, दो आपको खुद करने हैं। जैसे मैंने किस तरीके से किया है, अगर मैंने यहाँ पे एन किया तो ये क्या बन गया, रिंकल। इसी तरीके से थर्ड में मैंने क्या किया है, आई, आई मैंने जब यहाँ पर लिखा है तो ये क्या बन गया है, स्माइल। ठीक है, इस तरीके से आप ये दोनों करेंगे, मुझे उम्मीद है आप इसको इजीली कर लेंगे। तो ये काम आपकी कॉपी का है, ये काम आपको साफ साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में करना है। तो अब आइए आप अपनी बुक पर, बुक के पेज नंबर 41 पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 41। से अलाउड सम वर्ड्स, ट्रंक, संक, जंक, सिंक, थिंक, पिंक, रिंकल, रिगल, राइट, वरी, वर्क, वंडरफुल। ये वर्ड सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, तो इस तरह के वर्ड को जो सुनने में एक जैसे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सभी को पता है आपको क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, व्हेन वी रीड डब्ल्यू इन कॉलम थ्री इट हैज नो साउंड, जब हम कॉलम थ्री में, इस कॉलम की बात कर रहे हैं, जब हम कॉलम थ्री में डब्ल्यू की जो साउंड है वो हमने उसके अंदर डब्ल्यू की साउंड नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो क्या है, साइलेंट है। जैसे आपने इसको रिंकल थोड़ी, विरिंकल तो नहीं पढ़ा ना, क्या पढ़ा है हमने इसको, रिंकल पढ़ा है, इसी तरीके से इसको रिगल पढ़ा है, इसी तरीके से इसको राइट पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें डब्ल्यू क्या है, साइलेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, लुक एट द वर्ड टॉक हियर, एल इज साइलेंट, नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। टॉक वर्ड को देखो, इस टॉक वर्ड को बहुत ध्यान से देखो, इसके अंदर एल क्या है, वो साइलेंट है। इसी तरीके से अब आपको ये नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इसमें से बताना है कि इन वर्ड के अंदर कौन सा लेटर साइलेंट है। जैसे वॉक के अंदर क्या साइलेंट है, एल, मोर के अंदर ई, रैप के अंदर डब्ल्यू, जॉक के अंदर ई। ठीक है, इस तरीके से इन वर्ड के अंदर ये जो लेटर है वो क्या है, साइलेंट है। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइम्स विद माई, कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। इसमें सबसे, इसमें आपको क्या करना है, सबके अंदर आई फिल कर देना है। ठीक है, क्या करना है, आई फिल करना है, क्या बना, स्माइल, काइट, माइस, लाइन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, ये आपको अपनी बुक में इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने कर रखा है। इस पे इस तरीके से टिक कर देंगे और बाकी पे इन पे सर्कल और इन पे आई फिल करेंगे, ये जो आपको स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको काम अपनी बुक में ही करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडल टाइम। रिडल टाइम यानी पहेली का समय। तो क्या है इसके अंदर, विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा वर्ड दुनिया में क्या है। तो आपका आंसर है स्माइल। स्माइल क्यों है, बिकॉज देयर इज अ माइल बिटवीन द टू एस। माइल का मतलब होता है बहुत लंबी दूरी, जो किलोमीटर से भी बहुत लंबी होती है। इसलिए हुआ ना स्माइल सबसे लंबा वर्ड, क्योंकि इस वाले एस और इस वाले एस के बीच में क्या है, माइल। ठीक है, तो इसलिए हुआ ना स्माइल सबसे लंबा वर्ड। तो अब आइए आप पेज नंबर 44 पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 44। अब हमारा नेक्स्ट है, आपको ये एक और पोएम है, इसको आप सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रीड करेंगे सभी। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, अगर आप खुश हैं और आप ये जानते हैं तो क्या करेंगे। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स, अगर आप खुश हैं और आप ये जानते हैं तो तालियां बजाएं। If you are happy and you know it, clap your hands. अगर आप खुश हैं और आप ये जानते हैं तो तालियां बजाएं। If you are happy and you know it and you really want to show it. If you are happy and you know it, clap your hands. अगर आप खुश हैं और आप ये दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हाथ से ताली बजानी है, क्लैप योर हैंड्स। रिपीट द राइम विद द फॉलोइंग एक्शंस आल्सो, इन लाइंस को आपको रिपीट करना है और एक्शन भी करना है। जैसे ये बच्चे कर रहे हैं तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपको भी एक्शन के साथ इसको रिपीट करनी है पोयम को। अब आपका पेज नंबर 45 पे आपको क्या करना है, लेट्स प्रैक्टिस, इन वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। ये डॉटेड वर्ड है और ये डॉट
दे रखे हैं आपको, इनको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। इस पर हाथ फेरेंगे बहुत अच्छे से, आराम आराम से करेंगे आप ये काम, ये आपकी बुक का काम है। अब प्यारे बच्चों आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि आपको कॉपी के अंदर क्या क्या काम करना है। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में पोयम लिखनी है, फिर आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, और जो मैंने आपको बुक का वो अदर वर्क करवाया है वो भी आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था आपकी कॉपी का काम, और मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें सब अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।